हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर आर अकेडमी फिरोजाबाद। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करेंगे हम आज की क्लास को। आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, जैसा कि आपके सिलेबस में है। और इस टॉपिक से कम 25 to 30 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देर नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में हम इसको पॉइंट वाइज कराएंगे। जितने भी पॉइंट होंगे सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे, जो कि एग्जामिनेशन में एज अ क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। और जी क्लास वन है, इससे आगे भी इस पर क्लासेस आती रहेगी। और ऐसे सभी कैंडिडेट जो झारखंड हाई स्कूल टीचर यानी कि झारखंड TGT इंग्लिश 9 to 10 के लिए पेड क्लासेस में एडमिशन चाहते हैं, तो बिल्कुल फ्रेश बैच स्टार्ट हो गया है बिल्कुल नए तरीके से। तो आप लोग उसमें एडमिशन ले सकते हैं, जिसकी फीस केवल 1500 रुपीज़ रखी गई है। और साथ ही साथ इसमें आपको 2 ईयर्स का वैलिडिटी दिया जा रहा है, यानी कि 2 साल तक आप इस कोर्स को अनलिमिटेड यूज कर पाएंगे। इसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, डिटेल क्लासेस, MCQ क्वेश्चंस, PDF नोट्स, सब कुछ सिर्फ 1500 रुपीज में मिल जाएगा। तो देर मत करिएगा, क्योंकि ये ऑफर सीमित समय तक है। जो कैंडिडेट्स पहले आएंगे उनको एडमिशन मिल जाएगा, बाद में आने वाले कैंडिडेट्स के लिए जो फीस है वो बाद में पड़ सकती है। ठीक है, तो चलिए देर नहीं करते, स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास को। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आने वाली अगली क्लासेस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बात करते हैं हम डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर की। तो बेसिकली डेवलपमेंट का मतलब क्या है, किस तरीके से हमारा जो इंडियन इंग्लिश लिटरेचर है वो स्टार्ट हुआ, किस तरीके से यहाँ के राइटर्स ने यानी कि इंडियन ऑथर्स ने इंग्लिश में लिखना स्टार्ट किया था। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे और पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। ओके, तो स्टार्ट कर लेते हैं इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, जिसको हम शॉर्ट में IEL यानी कि इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के रूप में देखते हैं। इट इज आल्सो रेफर्ड एज इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। कभी कभी एग्जामिनेशन में ये इस तरीके से दे दिया जाता है, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। दोनों का मतलब वही है, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर यानी कि इंडियन राइटर्स के द्वारा लिखा जाने वाला साहित्य अंग्रेजी भाषा में। ओके, सो IWE यानी कि इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश इज द बॉडी ऑफ वर्क बाई राइटर्स इन इंडिया हु राइट इन द इंग्लिश लैंग्वेज एंड हुज नेटिव और को नेटिव लैंग्वेज कुड बी वन ऑफ द न्यूमरस लैंग्वेज ऑफ इंडिया। यानी कि इंडियन राइटर्स जिनकी मदर टंग, ठीक है ना, या रीजनल लैंग्वेज इंडिया में प्रिविलेज लैंग्वेज में से कोई भी एक हो सकती है, बट वे फॉरन लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश में लिखते हैं। ओके, उनका जो टॉपिक है वो कुछ भी हो सकता है, बट उनका जो राइटिंग स्टाइल है वो इंग्लिश में होता है और उनका जो नेटिव है वो इंडियन, यानी कि उनकी जो बर्थ प्लेस है वो इंडिया का होता है। दैट इज वाई हम इसको इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश या फिर इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के रूप में देखते हैं। ओके, अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए कि इंडियन इंग्लिश लिटरेचर किसे रेफर करेंगे, तो इसमें से आप पॉइंट नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगले पॉइंट पर बात कर लेते हैं। आगे, द हिस्ट्री ऑफ इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश बिगेन विद द वर्क ऑफ हेनरी लुईस विवियन डेरोजियो। आप इसको नोट कर लीजिएगा, ये नेम पिछली बार एग्जामिनेशन में पूछा गया था, ठीक है ना। द हिस्ट्री ऑफ इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश बिगेन विद द वर्क्स ऑफ हेनरी लुईस विवियन डेरोजियो। इस कैंडिडेट यानी कि इन ऑथर्स के साथ में जो इंडियन राइटिंग इंग्लिश है वो स्टार्ट हुआ था, साथ ही साथ माइकल मधुसूदन दत्त। ओके, एंड फॉलोड बाई द रविंद्रनाथ टैगोर। ये बात के राइटर्स हैं, सबसे पहले लुईस विवियन डेरोजियो के स्टार्टिंग के साथ में इन्होंने इंडियन इंग्लिश लिटरेचर यानी स्टार्ट किया था इनके अपने वर्क्स के साथ में इंग्लिश लैंग्वेज में। ओके, एंड साथ ही साथ श्री अरविंदो घोष। नेक्स्ट वन, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आर के नारायण, मुल्कराज आनंद, राजा राव, ये तीनों राइटर्स हैं, ये इंडिया के इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में एक तरीके से 3 पिलर्स माने जाते हैं। दे कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ एंड पॉपुलरिटी ऑफ इंडियन इंग्लिश फिक्शन इन 1930 डेकेड्स, यानी कि 1930 के डेकेड में आर के नारायण, मुल्कराज आनंद और राजा राव, ये तीनों ही जो कैंडिडेट्स हैं, तीनों ही राइटर हैं, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है हमारे पास, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर इज आल्सो एसोसिएटेड इन सम केसेस विद द वर्क ऑफ मेंबर्स ऑफ द इंडियन डायस्पोरा। यानी कि ऐसी कैंडिडेट्स जो भारतीय मूल के हैं बट विदेशों में रहते हैं, लेकिन भारतीय मूल के जो कैंडिडेट हैं जो विदेशों में रहते हैं लेकिन वो इंडिया के बारे में लिखते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं, ठीक है ना, उन कैंडिडेट्स को भी हम इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के लिए रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट वन,
द फर्स्ट बुक रिटन बाई एन इंडियन इन इंग्लिश वॉज द ट्रेवल्स ऑफ डीन मोहमेट। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। द फर्स्ट बुक रिटन बाई एन इंडियन इन इंग्लिश लैंग्वेज कौन सी है? द ट्रेवल्स ऑफ डीन मोहमेट। ये क्या है? अ ट्रेवल नैरेटिव है। किसके द्वारा लिखा गया है? शेख डीन मोहमेट के द्वारा इसको लिखा गया। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। एंड दिस बुक वॉज पब्लिश्ड इन इंग्लैंड इन 1794 में ये ट्रेवल जो है ट्रेवल बुक है ये पब्लिश की गई थी। नेक्स्ट वन, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास, हम बात करें शुरुआती इंग्लिश इंडियन इंग्लिश लिटरेचर की। तो इन अर्ली इंडियन राइटर्स यूज्ड इंग्लिश अनएडल्टेड, यानी कि शुरुआत में जो इंडियन इंग्लिश ऑथर्स थे वो इंग्लिश को ज्यादा बेहतर तरीके से यूज नहीं कर पाते थे, उनकी इंग्लिश में भारतीय शब्दों का यानी कि इंडियन वर्ड्स का समावेश बहुत ज्यादा मिलता था। इंडियन वर्ड्स टू कन्वे एन एक्सपीरियंस विच वॉज एसेंशियली इंडियन। नेक्स्ट वन, अगला पॉइंट हमारे पास, इन द अर्ली स्टेज यानी कि शुरुआती तौर पर अगर हम देखें तो इंडियन इंग्लिश लिटरेचर वाज इन्फ्लुएंस बाय द वेस्टर्न नोवेल, यानी कि जो पश्चिमी सभ्यता के जो नोवेल्स हैं। इन द अर्ली राइटिंग इन इंडियन इंग्लिश कंसिस्टिंग नॉन फिक्शनल वर्क, यानी कि शुरुआती तौर पे अगर इंडियन इंग्लिश लिटरेचर की बात करें तो जो वेस्टर्न नोवेल्स हैं वेस्टर्न फिक्शन है उसका यहाँ पर ज़्यादा इम्पैक्ट देखने के लिए मिलता है। उन्हीं चीज़ों से यहाँ पर राइटर्स ने अपने जो फिक्शन है उनको लिखना स्टार्ट किया था। लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि शुरुआत में इंडियन इंग्लिश राइटिंग कंसिस्ट ऑफ नॉन फिक्शनल वर्क, यानी कि एसेज, राइटिंग्स, एसे, डायरीज, लेटर्स, ये सारी चीजें यहां पर आपको देखने के लिए ज्यादा मिलती थी, ठीक है ना। लेटर्स, डायरीज, पॉलिटिकल मैनिफेस्टो, आर्टिकल्स, स्पीचेस और फिलोसॉफिकल वर्क, बायोग्राफीज एंड पॉलिटिकल एसे, ये सभी क्या है? नॉन फिक्शनल वर्क्स है जो इंडिया में शुरुआती तौर पर लिखे गए थे इंग्लिश लैंग्वेज में इंडियन ऑथर, इंडियन फिलोसोफर और इंडियन पॉलिटिशियंस के द्वारा। नेक्स्ट वन, हमारे पास एक टर्म आता है इंडो एंग्लियन लिटरेचर। तो याद रखिएगा, जब भी कहीं ये वर्ड आ जाए एंग्लियन, इसका मतलब है ब्रिटिश। क्या है? तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यहां कहीं भी ये वर्ड आ जाए एंग्लियन, इसका मतलब है ब्रिटिश। तो ये क्या है? इंडो का मतलब है इंडियन, ब्रिटिश लिटरेचर, यानी कि इंडियन ब्रिटिश लिटरेचर इज द जेनर रिटन एंड क्रिएटेड बाय द इंडियंस थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा जाने वाला जो लिटरेचर है इंडियंस के द्वारा लिखा गया है, ठीक है ना। बट इट वॉज डिस्कार्डेड बिकॉज ऑफ द कॉलोनियल हैंगओवर इन द टर्म, लेकिन क्योंकि इसमें एंग्लियन वर्ड आया है दैट इज ब्रिटिश, तो इस वर्ड की वजह से ये जो टर्म है इंडो एंग्लियन लिटरेचर इसको डिस्कार्ड कर दिया गया, यानी इसको मान्यता में नहीं लाया गया, क्योंकि ये क्या है? हमें उस समय की याद दिलाता है जब यहां पर ब्रिटिश कॉलोनीज थी, यानी कि ब्रिटिश एम्पायर का इंडिया में, ये याद दिलाता है। दैट इज वाई ये जो टर्म है इंडो एंग्लियन इसको नकार दिया गया, हालांकि इसका मतलब सेम वही है जो ऊपर था, ओके। तो ये प्रचलन में नहीं है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि ये मतलब क्या है इसका, तो इसका मतलब सेम वही है जो ऊपर चल रहा है। नेक्स्ट वन, अब ये जो टर्म है ये अलग है, एंग्लो इंडियन लिटरेचर, ठीक है ना। एंग्लो इंडियन लिटरेचर, पीछे वाला टर्म हमारा क्या था? इंडो एंग्लियन लिटरेचर, और ये क्या है? एंग्लो इंडियन लिटरेचर, ठीक है, इसको याद रखना। तो इट इंक्लूड इंडियन एज वेल एज ब्रिटिश राइटर्स। पिछले वाले में क्या था? इंडियन राइटर्स जो इंग्लिश में लिखते थे उनकी राइटिंग्स को हम क्या कहते हैं? इंडो एंग्लियन लिटरेचर या इंडियन इंग्लिश राइटर। लेकिन यहां पर एंग्लो इंडियन राइटिंग का जो संदर्भ है वो उन सभी राइटर से है जो चाहे तो ब्रिटिश हो, ठीक है ना, चाहे तो इंडिया के हों, लेकिन वो इंग्लिश में इंडिया के बारे में लिखते रहे। सो इंक्लूडेड इंडियन एज वेल एज ब्रिटिश राइटर्स हु रोट ऑन इंडियन सब्जेक्ट्स, जो इंडियन सब्जेक्ट्स इंडियन थीम पर लिखते हैं, चाहे वो ब्रिटिश हो या वो इंडियन हो, ठीक है ना। जैसे कि सरोजनी नायडू, रविंद्रनाथ टैगोर, टूरुदत्त, ठीक है ना, पॉल स्कॉट और किपलिंग, ये कुछ राइटर्स हैं जो कि एंग्लो इंडियन लिटरेचर के अंतर्गत आते हैं। हालांकि सरोजनी नायडू, आर एन टैगोर, टूरुदत्त, ये सभी आपके इंग्लिश लिटरेचर में अगर पूछा जाए तो इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के तौर पे रखे जाते हैं, क्योंकि ये जो टर्म है ये प्रचलन में नहीं है अब, ठीक है ना। चलिए दूसरे शब्दों में मैंने यहाँ लिखा है, इन अदर वर्ड्स, एंग्लो इंडियन इन इंडिया और सिटीजन ऑफ मिक्स इंडियन एंड थ्रू द पैटर्नल लाइन यूरोपियन एंसेस्ट्री,
यानी कि अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो एंग्लो इंडियन का मतलब है मिक्स सिटीजनशिप का कोई नागरिक, जैसे कि किसी के माँ बाप इंडिया, माँ इंडिया की हो और पिता ब्रिटिश के रहे हों, यानी कि यूरोपियन रहे हों, ठीक है ना। इस तरीके की जो उनकी पेरेंटल हिस्ट्री हो उन सभी कैंडिडेट्स को भी हम एंग्लो इंडियन में शामिल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट राइटर्स हैं जिनको आप देख लीजिए, अगर क्वेश्चन आ जाए आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर पहला नाम आता है आनंद कैंटिस कुमार स्वामी, ठीक है ना। ही वाज बॉर्न इन कोलंबो ब्रिटिश सीलोन, यानी कि कोलंबो में पैदा हुए थे और उसको हम क्या बोलते थे, सीलोन, ब्रिटिश सीलोन, दैट इज नाउ श्रीलंका। इनके फादर कौन थे, इनके फादर तमिल थे बट इनकी जो मदर थी वो ब्रिटिश थी। ओके नेक्स्ट, एक और इंपोर्टेंट राइटर थे रुत परवार झावाला, वाज अ ब्रिटिश एंड अमेरिकन नोबेलिस्ट एंड स्क्रीन राइटर। इसके पॉलिश पेरेंट्स बट सी मैरिड टू एन इंडियन, यानी इसके माँ बाप पॉलिश थे बट इन्होंने क्या किया, एक इंडियन से शादी कर ली। नेक्स्ट, अब हम थोड़ा सा बात कर लें इस वर्ड पे, ये जो टर्म है हमारा जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, इसकी शुरुआत किस तरीके से हुई। तो द बॉडी इंडियन इंग्लिश लिटरेचर इज एक्सेप्टेड बाई द साहित्य अकेडमी, क्योंकि पिछले जो दो टर्म थे इंडो एंग्लियन लिटरेचर, इसमें क्या था, हमें कॉलोनियलिज्म की याद आती थी, यानी कि जो ब्रिटिश रूल था इंडिया में वो हमें याद आता था, तो एक तरीके से हमें ये अच्छा नहीं लगता, तो ये नकार दिया गया, डिस्कार्डेड कर दिया गया। दैट इज बाई साहित्य अकेडमी ने क्या किया, इस टर्म को, इस बॉडी को एक्सेप्ट किया इंडियन इंग्लिश लिटरेचर को, मतलब उसका वही था बट यहाँ पर स्पेसिफिकली इसको बोल दिया कि ऐसे राइटर्स जो इंडिया के, ठीक है ना, जो इंग्लिश में लिखते हैं वही इसके अंतर्गत आएंगे। तो इज एक्सेप्टेड बाई साहित्य अकेडमी इंडियाज प्रीमियर लिटरेरी इंस्टीट्यूशन विच रिकॉग्नाइज 24 इंडियन लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग इंग्लिश। ओके आगे बढ़ते हैं, तो इसके अंतर्गत आप देख लीजिएगा कुछ इंपोर्टेंट राइटर्स आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग कौन है, ये आपको ये आपके एंग्लो इंडियन लिटरेचर के अंतर्गत आते हैं। उसका रीजन क्या है, ही वाज वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंग्लो इंडियन राइटर्स। किपलिंग वाज बॉर्न इन बॉम्बे ब्रिटिश इंडिया, जैसा कि मैंने बताया कि इनकी जो कॉलोनियल हिस्ट्री है, इनकी जो पेरेंटल लाइन है वो मिक्स हो सकती है, इंडिया के माँ इंडिया की हो सकती है, पिता ब्रिटिश हो सकते हैं, या इनका किसी दूसरे तरीके से रिलेशन ब्रिटिश से हो सकता है, यानी कि इंडिया और ब्रिटिश का मिली भगत इसमें हो सकती है, या ये प्योर इंडियन हो सकते हैं, तो ये एंग्लो इंडियन लिटरेचर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो रुडयार्ड किपलिंग वाज वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंग्लो इंडियन राइटर्स। ही वाज बॉर्न इन बॉम्बे ब्रिटिश इंडिया, नाउ इन मुंबई। ही इज बेस्ट नोन फॉर हिज वर्क सच एज द जंगल बुक, इनकी बहुत ही पॉपुलर बुक है जंगल बुक, और एक है किम, एंड न्यूमरस पोएम्स एंड शॉर्ट स्टोरीज दैट रिफ्लेक्ट हिज एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो क्वेश्चन आ जाए कि ये कौन है, तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं। नेक्स्ट है मैरी मार्गरेट के, मैरी मार्गरेट के, कभी कभी शॉर्ट में इनको MMK के नाम से भी जाना जाता है और मोली भी इनको कहा जाता है, ठीक है ना। वाज अ ब्रिटिश राइटर, हर मोस्ट फेमस बुक इज द फार प्रिविलेंस, 1978 में ये पब्लिश किया गया था। नेक्स्ट वन, अगला इंपॉर्टेंट, इनके बारे में एक फैक्ट और समझ लीजिए, ये कौन है, MMK वाज बॉर्न इन शिमला ब्रिटिश इंडिया, यानी कि ब्रिटिश टाइम में शिमला में पैदा हुई थी एंड लिव्ड इन ऑकलैंड शिमला, अ हेरिटेज प्रॉपर्टी फ्रॉम 1915 to 1918, यानी इनके पिता की जो वंशानुगत संपत्ति थी उसमें ये रहती थी 1915 से 1918 तक। ओके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट राइटर है पॉल मार्क स्कॉट, ही वाज बॉर्न इन सुबर्बन लंदन। स्कॉट वाज पोस्टेड टू इंडिया, ये इनका जन्म कहाँ हुआ था, जन्म तो इनका लंदन में हुआ था बट इनकी जो पोस्टिंग थी इंडिया में बर्मा में हुई थी एंड माल्या, कब हुई थी, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे। ऑन रिटर्न टू लंदन ही वर्क एज अ नोटेबल लिटरेरी एजेंट बिफोर डिसाइडिंग टू राइट फुल टाइम फ्रॉम 1960। इन 1964 ही रिटर्न टू इंडिया फॉर अ रिसर्च ट्रिप। तो मिंटू से हम ये कह सकते हैं कि इनका इंडिया से काफी ज्यादा लगाव रहा और इन्होंने इंडियन थीम पर लिखा। तो मैंने आपको बता ही दिया है कि चाहे तो वो ब्रिटिश हो सकता है, उसकी कॉलोनियल हिस्ट्री जो पेरेंटल लाइन है वो इंडिया से कनेक्टेड हो सकती है, वो प्योर इंडियन हो सकता है, लेकिन इंडिया के बारे में वो लिखता हो तो वो एंग्लो इंडियन राइटिंग के अंतर्गत आता है। ओके नेक्स्ट वन, हम बात करें इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, ये तो मैंने करा दिया ना, करा दिया ठीक है।
The body Indian English Literature is accepted by Sahitya Academy, India's premier literary institution, which recognizes 24 languages, including English. Next writer हमारे पास बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय. बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय 1838 से 1894, ठीक है ना, इनका टाइम ड्यूरेशन है. ही रोट राजमोहंस वाइफ, ही रोट राजमोहंस वाइफ एंड पब्लिश्ड इट 1864. ये बहुत पॉपुलर है ये पॉइंट, और इस तरीके के क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, ठीक है ना. तो राजमोहंस वाइफ क्या है, ये फर्स्ट इंडियन नॉवेल है जिसको इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया था. क्वेश्चन एक बार पूछा भी गया है कि राजमोहंस वाइफ क्या है, तो ये फर्स्ट इंडियन इंग्लिश नॉवेल है जिसको किसने लिखा है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, ठीक है. दोनों नेम्स का मतलब एक ही है. ये क्या है, ये इंडियन इंग्लिश ऑथर है, प्योर इंडियन इंग्लिश ऑथर है. नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट राइटर है लाल बिहारी डे. लाल बिहारी डे, लाल बिहारी डे पब्लिश्ड अ हिस्टोरिकल नॉवेल. इन्होंने एक हिस्टोरिकल नॉवेल पब्लिश किया जिसका टाइटल है गोविंदा सामंता, या फिर हम इसे बोल सकते हैं द हिस्ट्री ऑफ बंगाली रैयत, द हिस्ट्री ऑफ बंगाली रैयत या गोविंदा सामंता. ये क्या एक हिस्टोरिकल नॉवेल है, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के अंतर्गत पहला हिस्टोरिकल नॉवेल किसके द्वारा लिखा गया है, लाल बिहारी डे के द्वारा, और हिस्टोरिकल नॉवेल इन 1874, इन 1874. एंड ऑल्सो अ कलेक्शन ऑफ फोक टेल्स एंड फेरी टेल्स ऑफ बंगाल, जिसका टाइटल है फोक टेल्स ऑफ बंगाल लाइफ सीक्रेट, पब्लिश्ड 1883. ये क्या है, शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन है, ये भी लाल बिहारी डे के द्वारा लिखा गया, यानी कि पब्लिश कराया गया था. नेक्स्ट है बियंका, ठीक है ना, बियंका या फिर द यंग स्पेनिश मेडन, पब्लिश्ड इन 1878 बाय टोरुडट, वाज द फर्स्ट नोवेल रिटन बाय एन इंडियन वुमन. ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, द फर्स्ट नोवेल रिटन बाय एन इंडियन वुमन, तो आंसर आपके सामने है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना, द यंग स्पेनिश मेडन, पब्लिश कब किया गया था, 1878 में. नेक्स्ट टोरुडट के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है ना, और कुरुपवाई और कुरुपवाई सत्यानंदन, ये दो राइटर्स ऐसे हैं जो काफी कम एज में इनकी डेथ हो गई थी. टोरुडट वाज डेड ऑन अर्ली 20s और जो कुरुपवाई है उनकी डेथ 30s के समथिंग हो गई थी. बोथ वर टू प्रोमिसिंग इंडियन इंग्लिश राइटर्स ऑफ द 19th सेंचुरी. नेक्स्ट अगला पॉइंट है हमारे पास सत्यानंदन, ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है इनका एक शगुना, शगुना अ स्टोरी ऑफ नेटिव क्रिश्चियन लाइफ, पूरा टाइटल है शगुना अ स्टोरी ऑफ अ नेटिव क्रिश्चियन लाइफ. इट वाज पब्लिश्ड सीरियली इन द मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज, कहां पर, द मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज मैगजीन में 1887 से 1888 तक ये पब्लिश किया गया था, इसके द्वारा सत्यानंदन के द्वारा. एंड द ओनली अदर नॉवेल बाई सत्यानंदन इज कमला द स्टोरी ऑफ हिंदू लाइफ, ये पब्लिश किया गया था 1894. मीन टू से इनके दो नॉवेल हैं, एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है और इनका सेकेंड यानी कि लास्ट नॉवेल है. इसके बाद में बात कर लेते हैं, इन द अर्ली 19s रविंद्रनाथ टैगोर बिगेन टू ट्रांसलेट हिज वर्क्स फ्रॉम बंगाली टू इंग्लिश, जैसे कि गीतांजलि, इसको सॉन्ग ऑफरिंग के तहत इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है, ठीक है ना. तो इन्होंने ये 1900 के समथिंग यानी 19 के डेकेड में ट्रांसलेट करना स्टार्ट किया था. आगे बात करें गांधी जी के बारे में, तो गांधी रोट इंडियन होम रूल, या फिर हम उसे बोल सकते हैं हिंद स्वराज, ठीक है ना, इंडियन होम रूल और हिंद स्वराज 1909 गुजराती लैंग्वेज में लिखा गया था, बेन कर दिया था, किसके लिए, क्योंकि इसमें सेडिशन था, देश विरोधी गतिविधियां थी, राज विरोधी गतिविधियां थी, ठीक है ना, 1910 में. एंड वाज रिटन इन इनडिजाइंड वेराइटी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि इस तरीके की इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया था जो कि प्योर इंग्लिश नहीं थी, ठीक है ना, प्योर इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं थे, बट गांधी जी के अपने तरीके की अंग्रेजी में इसको लिखा गया था. एंड चैलेंज द सक्सेसफुली द हेगेजनी ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर ऑफ स्टैंडर्ड इंग्लिश इवन बिफोर आर के नारायण, एम आर आनंद एंड राजा राव, यानी कि इन लोगों के इंग्लिश में वर्क करने से पहले ही गांधी जी ने अपना ये हिंद स्वराज लिखा था. काफ़ी स्टैंडर्ड टाइप की अंग्रेजी नहीं थी, बट स्टैंडर्ड इंग्लिश को एक तरीके से इन्होंने चैलेंज कर दिया था अपने राइटिंग्स में, मतलब टक्कर दे रहे थे अपनी राइटिंग के माध्यम से. तो
एंड दिस वर्क वाज अनवेन इन 25 दिसंबर 1938 को ये हिंद स्वराज अनवेन कर दिया गया, ओपन कर दिया, ओपन टू पब्लिक। इंपोर्टेंट फैक्ट है हमारे पास एक और राजा राव के बारे में, ठीक है ना। राजा राव इंडियन फिलोसोफर एंड राइटर्स, नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा। ऑथर कंठपुरा, इसका बहुत ही मोस्ट पॉपुलर नोवेल है कंठपुरा, 1938 में इसको पब्लिश किया गया था। एंड दिस नोवेल रिकाउंट द राइज ऑफ गांधीजन नेशनलिस्ट मूवमेंट, यानी कि गांधी जी के जो नेशनल मूवमेंट है वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। एंड द सेम टाउन स्मॉल साउथ इंडियन विलेज ऑफ द सेम नेम कंठपुरा। इसके बाद में एक और इनका इंपोर्टेंट नोवेल था द सर्पेंट एंड द रोप। हालांकि ये सभी राइटर्स मैं आपको डिटेल में कराऊंगा, बट क्योंकि हम डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर को कर रहे हैं तो हम ऐसे पॉइंट टू पॉइंट लेकर चल रहे हैं जिससे पूरा का पूरा डेवलपमेंट हमारा कवर हो जाए, ठीक है ना। बाद बाकी की चीज़ें आपको डिटेल में कराई जाएंगी, अगर आप पेड क्लासेज में एडमिशन लेते हैं तो आपको वो सारी चीज़ें मैं डिटेल में प्रोवाइड कराऊंगा विद पीडीएफ नोट्स, एमसीक्यू क्वेश्चंस एंड कंप्लीट राइटर्स। सर्पेंट एंड द रोप पब्लिश 1960, वॉन साहित्य अकेडमी अवार्ड। सर्पेंट एंड द रोप के लिए इनको 1960 में साहित्य अकेडमी अवार्ड प्रोवाइड करा गया, सॉरी 1960 में पब्लिश किया गया और 1964 में साहित्य अकेडमी अवार्ड इनको प्रोवाइड किया गया इंग्लिश लैंग्वेज के माध्यम से, यानी इंग्लिश लैंग्वेज में लिखने के कारण। विच आर इंडिया इन टर्म्स ऑफ देयर स्टोरी टेलिंग क्वालिटीज। नेक्स्ट है एक राइटर केशारी मोहन गांगुली। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बहुत ही प्रीसियस वर्क यानी कि प्रीसियस काम किया है, महाभारत को ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में, ठीक है ना। ट्रांसलेटेड द महाभारत इनटू इंग्लिश बिटवीन 1883 टू 1896 द ओनली टाइम द एपिक हैज एवर बीन ट्रांसलेटेड इन इट्स एंटायरली इनटू एन यूरोपियन लैंग्वेज, यानी कि ब्रिटिश लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में पहली बार इसको कंप्लीटली किसी व्यक्ति ने ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में, तो वो कौन है, केशारी मोहन गांगुली। नेक्स्ट वन है रविंद्रनाथ टैगोर, ड्यूरेशन है 1861 टू 1941। ही रोट इन बंगाली एंड इंग्लिश एंड वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसलेशन ऑफ हिज ऑन वर्क इनटू इंग्लिश। उन्होंने बंगाली और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में लिखा, शुरुआती तौर पे बंगाली में लिखा, जैसे कि गीतांजलि जिसको सॉन्ग ऑफरिंग के तहत बाद में इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया गया था, जिसकी जो प्रस्तावना है, इंट्रोडक्शन है, वो डब्ल्यू बी ईट्स के द्वारा लिखी गई है और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। नेक्स्ट हमारे पास धन गोपाल मुखर्जी, ठीक है ना, धन गोपाल मुखर्जी, ड्यूरेशन है 1890 टू 1936। ही वाज द फर्स्ट इंडियन ऑथर टू विन अ लिटरेरी अवार्ड दैट इज न्यूबेरी मेडल, कब, 1928 में। एंड दिस इज इन द यूनाइटेड स्टेट, यानी कि यूएस में न्यूबेरी मेडल प्राप्त करने वाले ये पहले इंडियन है, ठीक है ना, फर्स्ट इंडियन है। इसके लिए मिला था गे नेक द स्टोरी ऑफ अ पिजन दैट वाज पब्लिश्ड इन 1927। इस नोवेल के लिए इनको ये प्राइज मिला था और ये पहले इंडियन राइटर्स हैं जिनको ये अवार्ड मिला था यूएस में। नेक्स्ट वन है हमारे पास, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, नीरज चंद्र चौधरी। नीरज चंद्र चौधरी, ड्यूरेशन है 1897-1999। ही इज अ राइटर ऑफ नॉन फिक्शन, इनके जो राइटिंग है वो नॉन फिक्शनल राइटिंग है, ठीक है। ही इज बेस्ट नॉन फॉर द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन पब्लिश्ड 1951, ठीक है ना। इनका ये वर्क है, नॉन फिक्शनल वर्क है, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन 1951 में पब्लिश किया गया था, इन विच ही रिलेट्स हिज लाइफ एक्सपीरियंसेस एंड इन्फ्लुएंसेस। तो ये नॉन फिक्शनल राइटिंग के लिए जाने जाते हैं, बहुत ही पॉपुलर राइटिंग है, बहुत ही पॉपुलर राइटर है ये। नेक्स्ट है पी लाल, अगर पूरा नाम पूछा जाए तो पुरुषोत्तम लाल, ओके। 1929 टू 2010 ही इज अ पोएट, ट्रांसलेटर, पब्लिशर एंड एसिस्ट। फाउंडेड अ प्रेस इन 1950 में एक प्रेस को इस्टेब्लिश किया इन्होंने इंडियन इंग्लिश राइटिंग के लिए, द राइटर्स वर्कशॉप। प्रेस का नाम क्या है, राइटर्स वर्कशॉप, नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो आज की क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, नेक्स्ट फिर मिलेंगे हम अगली क्लास में, तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और हमारा टेलीग्राम चैनल है RR Academy फिरोजाबाद, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ओके, थैंक यू।